रामदेवन नायर, बहुत कुछ सुना है, ज्यादातर इंदिरा के मुंह से। आज पहली बार मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ। मसूरी में इंदिरा के बैच में जो ग्रुप फोटो खिंचवाया गया था, उस फोटो में इंदिरा ने एक सोने का सर्कल तुम्हारे फोटो पर बनाकर रखा था। Shall we come to the point, sir? इस तरह जो बिना डरे बोलते हो, ये तुम लोगों का बेसिक स्वभाव है। बहुत दिनों से सोते जागते सोचने पर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है नायर। मेरी औकात के नाते तुम्हें दामाद बनाने की थोड़ी सोच रहा हूं नायर। तुम्हारा बायोडेटा जब इंदिरा ने बताया तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई। कन्नूर और तेलीसेर में रहने वाले लड़के आवारा है ऐसा सोच रहा था। बेटी ने ढूंढ निकाला एक शानदार ऑफिसर, उसकी कोशिश को तो मानना ही पड़ेगा। शाह, अरे जरा आराम से करो उन्नी यार। ठीक है। हाँ, उन्नी नायर तुम्हारे पिताजी का भी नाम है ना? नहीं, उन्नी नायनार। हाँ, नायनार, नायनार। माँ है जानकी। कन्नूर में एक छोटी सी कंपनी में बीड़ी बनाने का काम। पुराने जमाने में बहुत कॉमरेड लोगों को छुपा कर रखे थे। ठीक कहा ना? अब रहने दो। एक्सीडेंट होने के बाद कमर में कभी कभार दर्द भी हो जाता है। उम्र हो जाने के बाद मुझे संभालने के लिए मेरे बेटे और बेटी हैं। इसका मुझे भरोसा हो रहा था, अचानक मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मेरे सपनों को साकार करने वाले वही लोग हैं। कभी तरक्की ना पाने वाला कैप्टन उन्नी नायर और पीढ़ी का काम करने वाली कैप्टन जानकी का बेटा, सिर्फ आईपीएस नाम की डिग्री लेने की वजह से तुम्हारे साथ शादी करवा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मुझ में यही कमी दिख रही है, वो जो कमी है वो आपकी खुद की बेटी के अंदर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मुझे अभी इंदिरा चाहिए तो उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। जब मुझे चाहिए होगा और जब मैं बुलाऊंगा तब वो आ जाएगी। नायनार, तुम्हारे मुंह से जो अच्छा शब्द मुझे लगने लगा है, इस गुस्से और हिम्मत को कभी मत छोड़ना की बेटा। थैंक यू सर। गुस्सा और हिम्मत अपने खून में होता है, वो तो कभी नहीं जाएगा। वेरी गुड, हम फिर से मिलेंगे मिस्टर नायनार। जरूर मिलेंगे सर। अरे उन लोगों का चौकस अभी पूरा नहीं हुआ क्या? आई एम रामदेव नायनार। तो मैं क्या करूं फिर, खातिरदारी करूं? मुझे जरा कमिश्नर के घर छोड़ दो। पुलिस क्वार्टर जाने के लिए वैन में छोड़ना पड़ेगा क्या? सर तुम्हें क्या चाहिए? अरे इन लोगों को स्क्वाड देने के लिए नहीं है पुलिस जी। सर थोड़ा पानी मांगने की वजह से। अरे छोड़, मुझे मत सिखा, ये बेइज्जती का काम बन गया है। अभी मैं कांचर कुंडली गांव का हूँ, थोड़ा मेहनत करने से तीन वक्त खा भी सकता हूँ। सीवियर एडिकुल, स्मार्ट हो, इस हिम्मत को छोड़ना मत। मैं रामदेव नायनार, आईपीएस। इस सिटी में मुझे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर आज ही अपॉइंट किया है। सॉरी सर। इट्स ओके, मुझे सिटी पुलिस कमिश्नर के घर जाना है। कमिश्नर सर घर पे नहीं मिलेंगे सर। फिर कहाँ मिलेंगे? पाड़ा मड़ई में। पाड़ा मड़ई में? हाँ, त्रिवांगूर गांव के मर्डर केस को कमिश्नर छानबीन कर रहे हैं। बोल, बोल, त्रिवांगूर गांव में खून करके भागने वाला तू है? हे भगवान, इन्हें मत मारिए सर, छोड़ दीजिए। ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकते सर, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आपके पास पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें मत मारिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपसे विनती करती हूँ सर, छोड़ दीजिए इन्हें, इन्हें मत मारिए। क्या कर रही हो, इन्हें मासूमों को छोड़ दो। तुम्हारी क्या शिकायत है? मैं केस को बदल रही हूँ, रूप छोड़कर तहकीकात कर रही हूँ। ऐसा बोल रही थी ना तो इसे साबित करने के लिए तुम्हें बुलाया। इनमें से किसी ने मेरे पति को नहीं मारा। कहीं तुम्हीं ने तो नहीं बोल रही हो आप? सच बोल। अपने पति को मारकर उसी का केस लेकर घूम रही हो। किसने किया? बड़ी आयशी बात जल्दी बताता हूँ। हे भगवान, कोई तो रहम करो, छोड़ दो इन्हें, कोई गलती नहीं है। मत मारो इन्हें, रहम करो, छोड़ दीजिए सर। तुम यहाँ क्यों आए हो और ये आदमी कौन है? मैम ये मैं नया ICP रामदेव नायना सर ज्वाइन करने के लिए आया। कुछ नहीं किया सर। कमिश्नर इतना जल्दी फ्री नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे सीबी ने कहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। Come on, follow me. हाँ, यही है क्या तेरा समाज सेवा? कोहिकूड हाइड्रो सिटी मंडल कमेटी के प्रेसिडेंट
तिरुवनंतपुरम आते हो तो समाज सेवक मंडल में ठहरते हो। मिस्टर आरडी, रिलीज हिम इमीडिएटली। व्हाई? नो क्वेश्चंस, ओबे मी। इनको ऐसे अरेस्ट करने से बड़े लोगों की नींद हराम हो जाती है, मैं नहीं जानता था। इज नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर। ये पुलिस की वर्दी पहनकर ये जो गुस्सा है ना, अपने कंट्रोल में रखो। इस असिस्टेंट कमिश्नर के गुस्से को ठंडा करने के लिए आपको आईपीएस बनाकर यहाँ पोस्ट नहीं किया मैडम, जहाँ तक मेरी जानकारी। आईपीएस की पढ़ाई के बारे में आप मुझे मत सिखाइए। तुम लोगों से 3 साल पहले हैदराबाद के आईपीएस कैंप को देखा है मैंने। केरला पुलिस को भी अच्छे से जानती हूँ मैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जानती हूँ मैं। डोंट ट्राई टू टीच मी। 3 साल सीनियर हो ये सोच के मुझे कोने में बिठाने का मत सोचना। जिन्हें मैंने कस्टडी में लिया था, मेरी इंसल्ट करवाने के लिए जानबूझकर तुम उनको बाहर करवाते हो। ऐसा क्यों किया ये जानने का अधिकार है मुझे। इमोरल ट्रैफिक में आपने इन्हें कस्टडी में लिया है, गुनहगार नहीं है ये लोग। पार्टी के मंडल कमेटी के प्रवक्ता, पार्टी के खास मेंबर और महिला मंडल के लोग है ये। पार्टी के अंदर होकर भी समाज सेवा का कार्य करते हैं ये लोग, इसलिए उस प्रदर्शन में ये लोग शामिल थे। जरा पढ़कर देखिए एसपी, ये लोग कौन हैं, क्या है, ये साबित कर दिखाने का सॉलिड प्रूफ है। इज इट इनफ फॉर यू? किसी एक को खुश करने के लिए इस प्रूफ के बलबूते पे आप इन मुजरिमों को बचाने के लिए आई है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है मैं अच्छे से जानता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर के ब्रेन में घुसकर माप लेने का काम नहीं है मेरा। माइंड इट। झंडा पकड़कर दीवारों पर लिखकर पार्टी के नाम को उछालकर वाह वाह बटोरना, लोगों का विश्वास जीतकर पार्टी के लोगों की इज्जत को पब्लिक में बिगाड़ने की सोचना भी मत। अपॉइंटमेंट ऑर्डर हाथ में लेकर 48 घंटा ही हुआ ना। स्मार्ट होने के लिए, देश को बदलने के लिए और भी समय है। फिलहाल के लिए लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने वाला सिटी पुलिस कमिश्नर मैं हूँ, तुम नहीं। छोड़ो उन्हें। छोड़ दो उन्हें। कानून अपनी नीति का पालन करो। अरेस्ट करो। नीति का पालन करो। खूनी को अरेस्ट करो। कानून कलेक्टर को जाना होगा। जाना होगा कलेक्टर को। जाना होगा कानून अपनी नीति का पालन करो। कलेक्टर को कानून अपनी नीति का पालन करो। कमिश्नर माया पुल्ली के अत्याचार को कानून अपनी नीति का पालन करो। कानून अपनी नीति का पालन करो। वक्त बर्बाद मत कीजिए, दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। जिन पर भी शक है सबको कस्टडी में लिया है। जो क्वेश्चंस किए थे उनका स्टेटमेंट भी है। इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस मैम। इतना काम करने के लिए एक साधारण हेड कांस्टेबल काफी है, आईपीएस रैंक के ऑफिसर की जरूरत नहीं। लुक कमिश्नर, आपको अपनी मनमानी दिखाने के लिए आपके पास लॉ ऑर्डर है, लेकिन इस सिटी को शांत करने का पहला अधिकार मुझे है। आप लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है। पुलिस कमिश्नर अगर बोला कि तुम लोगों के बर्ताव की वजह से इज्जत खराब हुई तो मैं मिनिस्टर को क्या जवाब दूँ? बहुत अच्छी खबर है ना विजय? हाँ। ये पेपर अच्छा है ना, अ पेपर विद पेपर। यस हाँ, सेंड हिम। विजय तुम जाओ, फाइल को घर पहुंचा देना। मे आई कम इन मैडम? यस कम इन। मिलने के लिए इंतजार कर रही थी मैं। आरडी नाइनर के बारे में पेपर में पढ़ने के लिए बहुत मिलता है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने धंधे के बीच
अपनी जान को दाव पे रखा। असिस्टेंट कमिश्नर अपनी जान बचाकर निकले। ऐसा पढ़कर रोमांचक हो गई। लड़की के छूने से मर्द की वर्दी गर्म हुई। एक ही जात के हो ना? हाँ मैडम, ऐसे पब्लिक को भटकाकर सिटी पुलिस कमिश्नर की हत्या करने के लिए जो संगठन मिले थे, इंडियन पिनल कोड 114 के तहत जिला मैजिस्ट्रेट इंदिरा मेनन को अरेस्ट करने के लिए मुझे अधिकार है। आप बोले तो करूँ क्या? बोले तो अभी कर दूं। लोगों के भीड़ भाड़ में साइन करने के लिए मिलने वाले किसी भी मौके को खोइएगा मत। लीडर की बेटी हो ना, बेटी को उस तरह का बर्ताव तो दिखाना ही पड़ेगा ना। कल पौने घंटे तक हम जो ड्रामा कर रहे थे और जख्मी होकर जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, वहाँ पूरे 30 लोग हैं। कलेक्टर से शिकायत करने के लिए लोगों और पुलिस का बर्ताव को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जो चाहिए उसी के लिए मैं आप पर दबाव डाल रही हूँ। किसी भी निवेदन को छुपाने की बात मैं नहीं जानती आरडी। आप जो दिखा रही है इस पॉलिटिकल मैजिकल एक्टिविटीज को पहचाने का सेंस है मेरे अंदर? ये मैजिकल नहीं है आरडी, रिवेंज है। एक हॉट एंड श्योर रिवेंज। आरडी को निजी तौर से इंसल्ट करने का मेरी तरफ से एक शॉर्ट ट्रीटमेंट। तिरुमल पाल गांव का मर्डर केस, जिसकी जिम्मेदारी आज से तुम्हारे पास है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर। इसकी ओरिजिनल कॉपी कमिश्नर ऑफिस को भी भेज दी। वहां जाते वक्त वो इस कॉपी को तुम्हें देंगी। आरडी, तुम्हें ये केस को देने के लिए जिंदगी में पहली बार किसी के आगे हाथ फैलाए थे मैंने। चीफ के सामने, कमिश्नर माया जो भी छुपाने की कोशिश कर रही है उस सबूत को तुम्हें सबके सामने लाना होगा। आरडी, तुम्हारे हर कदम की तरक्की को लेकर इस दुनिया में खुश होने वाली पहली शख्स मैं ही हूँ। तरक्की के नाम पे कलेक्टर और कमिश्नर के बीच के ईगो क्लैश में मुझे घसीटकर तंग मत किया करो। नहीं, इस काम के लिए कृपा करके मुझे माफ करो। ठीक है, माफ किया। आगे से ऐसा किया तो? ऐसे किया तो? कांग्रेचुलेशंस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर तिरुमल पाल केस इन्वेस्टिगेशन आपके हवाले करने का DGP का स्पेशल ऑर्डर है। ACP के जरिए होने वाले हर तहकीकात को लेकर अखबार के लोग अभी भी पेन पेपर हाथ में लेकर बैठे होंगे, तो खेल शुरू कर दो। मैडम, मुझे गलत मत समझिए, CM के सामने आकर लिया गया फैसला है। CM ने खुद ये फैसला लिया है। कुछ भेड़िए इस केस के पीछे पड़े हैं, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो मिलना है वो सही वक्त पे मिल ही जाएगा। पहले हाथ फैलाकर रिश्वत लेना और फिर उन्हीं के पैरों को चाटना, और रिश्वत देने वाली अगर प्यार करने वाली लड़की हो तो खुशी तो होगी ना, क्यों? शट अप यू। पर्सनल ग्रजी से आपको, आई एम हेल्पलेस। यू रास्कल, गेट आउट, गेट लॉस्ट। इस टोपी को अपने सर पर लेकर घूमने की आपके अंदर लायकात ही नहीं है। आप जैसी गिरी हुई सोच वाली इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। किसी को खुश करने के लिए चमचा बनकर घूमने वाली एक रबर स्टैंप है आप। आपके जैसे चमचों के सामने अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहने वालों में से नहीं हूं मैं। इट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम कमिश्नर। अब कुट्टी, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। सर, कुत्ते लोग कुछ बच्चे पैदा नहीं किए हैं, हम ट्रीटमेंट कानून को क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा ऊपर से ऑर्डर है। कुत्ते के बच्चे को नहीं, अब कुट्टी तुझे ले जाने आया। आमतौर पर यहाँ ऑफिसर लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, कुत्ते कब बच्चे देने वाले, बच्चे तंदुरुस्त होगा कि नहीं, कुत्ते को यहाँ वहाँ छोड़ दिया, ये सब सिर्फ उसके लिए मैंने पूछा। सर मुझे माफ कर दीजिए। तिरुमल पाल के मर्डर केस को यही छानबीन कर रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टिगेशन टीम में आना होगा तुम्हें। सॉरी सर, मुझे टीम को ज्वाइन करना है, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सब इंस्पेक्टर, अब कुट्टी मुझे चाहिए, इसलिए ढूंढते हुए इतना दूर आया है। सोवियन ने ही आपको रिकमेंड किया था, आपके सर्विस रिकॉर्ड मैंने पढ़े हैं। वल्चर के मर्डर केस को छानबीन करके उसको 4 दिन में क्लोज कर दिया है आपने, मुझे अच्छे से पता है। रियली हेड विद ब्रेन। थैंक यू सर, उसी वजह से यहाँ के पुलिस लोग प्यार से मुझे प्रकाश बुलाते हैं।
कुत्ते लोग थोड़ा अलर्ट है, लेकिन खतरा नहीं है सर, भरोसेमंद कुत्ते हैं। वो सब भूल जाओ बुकुट्टी, कल से हम एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, समझे सर? ओके। हाय ब्रूनो, कल से मैं फिर से कुत्ते लोगों के बीच में जीने जा रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया तो फिर से इधर आऊंगा। चलता हूँ मेरे बच्चों। सुनो बेटा, मेरे बेटे को जिन्होंने मारा था, क्या आप लोगों ने उन्हें पकड़ लिया क्या? मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गए वो लोग, अभी भी मेरे दिल में। माँ माँ आप अंदर जाओ। हम सवाल करके आपको थोड़ी तकलीफ देने के लिए आए हैं। तिरुमल पाल के केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। आरडी नायर सर इस केस की छानबीन कर रहे हैं। अखबार में पढ़ा था सर, आपको ही पता लगाना होगा। सर आपको ही इसका पता लगाना होगा, किसी और ने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, ऐसा ही मतलब बनता है। कमिश्नर ने कुछ भी करके इस केस को वाइंड अप करने का मन बना लिया था, कुछ खास चीजों को लेकर उनकी मानसिकता ऐसी ही। उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया। ओह, तिरुमल पाल जिस पहाड़ी पर काम करता था उस जगह पे उससे किसी की दुश्मनी थी क्या? आप जानती है, कॉन्ट्रैक्टर्स, सुपीरियर ऑफिसर्स, ऐसा कोई भी नहीं सर। हाँ, और कोई दुश्मन? ऐसे किसी को तो मैं नहीं जानती, मुझसे बोला भी नहीं। मेरा पति मासूम है। ओहो, मासूम है बोला तो आपके इशारे पर नाचने वाला पुतला था ना? नहीं। हफ्ते में 6 दिन तिरुमल पाल पावर के क्वार्टर हाउस में अकेले रहा करता था, है ना? हाँ। तो फिर आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे? शनिवार शाम को आएंगे, सोमवार को निकल जाएंगे। बीवी होने के बावजूद क्यों आप क्वार्टर्स में जाकर नहीं ठहरी थी? आपके बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? माँ को बीमारी थी इसलिए मैं यहाँ ठहर गई। ऐसा बहाना बनाकर आप बचने की कोशिश कर रही है? नहीं। सच बोलो, आप लोगों की दाम्पत्य जिंदगी एक फेलियर हुआ करती थी? नहीं। बच्चे ना होने की वजह से आप अपने पति से नफरत करती थी क्या? नहीं। घटना के दिन, मेरा मतलब जिस दिन वो मारा गया था, तिरुमल पाल को कॉल किया था? हाँ, किया था। आपने वहाँ फोन किया था ना? मैं डर गई थी। किस लिए? शनिवार के बाद भी ना आने की वजह से मैंने क्राइम ऑफिस में फोन करके पूछा था, उन्होंने कहा दोपहर को ही निकल गए। किसने बोला? रामदास ने बोला। कौन है ये रामदास? वो वहाँ वर्क करने वाला इंजीनियर है। उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? फैमिली फ्रेंड है। सिर्फ फैमिली फ्रेंड और कुछ भी नहीं? जो पूछा गया उसका जवाब दो। नहीं। किसने यहाँ आके उस घटना के बारे में पहली बार बोला था? कमिश्नर। पति के खून के केस में किसी पर शक है क्या आपको? हाँ, पुलिस पर। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। ऐसा सोचने की वजह? मैं जानती हूँ। पति के खून के सिलसिले में पुलिस गुनेगार को पकड़ेगी नहीं, ऐसे किसी ने जुबान दिया क्या, या फिर आपने किसी को जुबान दी है? हमसे ज्यादा आंख में चोली मत खेलो, केस सॉल्व हो जाएगा, मैं ये साबित कर दिखाऊंगा, जरूरत पड़ने पर वापस आऊंगा, भले आपको तकलीफ हो।